दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज मंगलवार 20 जून सन 2023। दोस्तों आप देख रहे हैं देश का पहला नंबर वन कमोडिटी चैनल जिसको लगभग 74,50,000 लोग देखते हैं, साथ साथ 63,200 से अधिक यूजर्स वाला देश का पहला चैनल। दोस्तों गुजरात खबर निकल के आ रही है कि गुजरात में कपास की अराइवल एक दिन में घटकर मात्र 8,000 गांठ यानी बेल्स रह गई है। यानी पूरी रिपोर्ट विस्तार से। चक्रवात विपर्जय ने गुजरात के कपड़ा उद्योग को प्रभावित कर दिया है। हालांकि कुछ निर्माताओं को यह भी उम्मीद है कि आने वाले महीनों में स्थिति सुधार होगी। सौराष्ट्र स्थित जिनिंग इकाइयों ने उत्पादन बंद कर दिया है और बड़ी संख्या में बाजार भी बंद हैं। गुजरात में कपास की आवक पिछले एक सप्ताह जो लगभग 25,000 बेल्स थी घटकर 8,000 बेल्स पर सिमट गई है प्रतिदिन, क्योंकि गुजरात के कई हिस्सों में अभी तक बिजली की आपूर्ति बहाल नहीं है। इसलिए सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ इलाकों में स्पिनिंग मिल कई दिनों और भी बंद रह सकती हैं। स्पिनर एसोसिएशन ऑफ गुजरात के उपाध्यक्ष श्री जयेश पटेल ने कहा, सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र की अधिकांश स्पिनिंग मिलों ने का चक्रवात के दौरान दो दिनों के लिए उत्पादन बंद किया है। सौराष्ट्र क्षेत्र में लगभग 70 स्पिनिंग मिल हैं और शनिवार को अधिकांश ने ऑपरेशन फिर से शुरू किया है, लेकिन अभी भी कई बिजली के कारण बंद हैं। सूती धागे की कीमतें में घटकर 245 रुपये प्रति किलोग्राम और अधिकांश मिले निर्यात के ऑर्डर्स के में गिरावट के मुकाबले 80% क्षमता से चल रही है, क्योंकि उनको डिस्पैरिटी है। कीमतों में स्थिरता का अनुमान लगाया जा रहा है और आने वाले महीनों में उद्योग के लिए एक बेहतर माहौल बन पाएगा। गुजरात कोर्ट एसोसिएशन के सचिव अजय शाह ने कहा है, गुजरात ने इस साल कपास की बम्पर फसल दर्ज की है और चक्रवाती गतिविधियों से पहले दिन से पहले प्रतिदिन 25,000 की अराइवल होती है। चक्रवात के दौरान आवक घटकर मात्र 8,000 बेल्स रह गई है, क्योंकि स्पिनिंग की गतिविधियां बाधित हो रही है। हमारा मानना है कि गुजरात में इस साल लगभग 93,00,000 गांठें होंगी, फिर भी आने वाले सीजन में लगभग 10,00,000 गांठों का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। भारतीय कपड़ा उद्योग पिछले एक साल से कपास की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देख रहा है और इस वजह से काफ़ी परेशानियां भी झेलनी पड़ी हैं। शुरुआती दौर में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कॉटन के भाव भारतीय कॉटन के मुकाबले काफ़ी नीचे थे। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय कॉटन का एक्सपोर्ट भी काफ़ी प्रभावित हुआ था, जिसका लगातार विश्लेषण अपडेट हमने आपको दिया है। दोस्तों कॉटन के अंदर हर तेजी आने से पहले हमने आपको विश्लेषण कर आपको बताया, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो या फिर भारतीय, इन हमारा विश्लेषण सही साबित हुआ है। अगले 2 से 3 महीने कॉटन कपास के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि अब कॉटन की बिजाई और बाकी स्थितियों पर भी कॉटन के दाम निर्भर कर सकते हैं। दोस्तों कॉटन के लिए कॉटन कॉम्प्लेक्स, चाहे कॉटन हो, कॉटन सीड हो, कॉटन सीड ऑयल हो या फिर कॉटन सीड ऑयल केक, इन सभी की जानकारी विशेष रिपोर्ट्स के लिए आप हमसे कर सकते हैं संपर्क, नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं। दोस्तों याद रखिएगा, तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कोई फायदा नहीं है। हमने आपको हर कॉटन की तेजी और मंदी का अग्रिम विश्लेषण पकड़ के दिया है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।